व्यूअर्स, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में कस्टमाइज्ड सब्सक्राइब बटन या एनिमेशन यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कस्टमाइज्ड सब्सक्राइब बटन या एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी और कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कस्टमाइज्ड सब्सक्राइब बटन क्रिएट करने के लिए हम कैनवा प्रो का यूज़ करेंगे, क्योंकि कैनवा फ्री में लिमिटेड फीचर्स हैं। कैनवा प्रो फ्री में रजिस्टर्ड करने की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो वीडियो देख के आप कैनवा प्रो फ्री में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने कैनवा ओपन करना है, उसके बाद क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम एक एनिमेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। आपके पास एक ब्लैंक वीडियो का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो मटेरियल आपने इसमें यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल का लोगो, आपकी अपनी पिक्चर है या यूट्यूब चैनल का नेम है, तो वो मटेरियल आपने अपने पास सेव कर लेना है। मैंने ये मटेरियल यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। आप वो मटेरियल अपने पास सेव करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड पे पैन में अपने एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और सर्च में आपने टाइप करना है स्क्वायर। इसके बाद इस शेप पे आपने क्लिक करना है, तो ये शेप आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस शेप को आप रिसाइज कर लें। रिसाइज करने के बाद सर्च में आपने दोबारा फ्रेम टाइप करना है और ये राउंड शेप में जो फ्रेम है इसको आपने ऐड कर लेना है। फ्रेम ऐड करने के बाद आपने पिक्चर अपलोड करनी है, उसके लिए आप अपलोड्स पे क्लिक करें और अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके आप अपनी पिक्चर या लोगो वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पिक्चर अपलोड की हुई है, तो मैं इस पिक्चर को क्लिक करूँगा। ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। पिक्चर ऐड करने के बाद सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसके लिए आप एडिट इमेज पे क्लिक करें और उसके बाद बीजी रिमूवर पे क्लिक करें। ये आप देख सकते हैं कि पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इस पिक्चर को आप फ्रेम पे मूव करें। पिक्चर फ्रेम में एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट मैं इसमें यहाँ पे फ्लैग ऐड करूंगा। अब इस फ्लैग को मैंने इस पिक्चर की बैक साइड से एनिमेट कराना है, लेकिन एनिमेट कराते हुए एक इशू आएगा कि इसको जब आप फ्रेम के ऊपर लेके आएंगे तो ये फ्लैग आपका यहाँ पे फ्रेम में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमें इस पिक्चर की स्नैपशॉट लेनी होगी। इस मकसद के लिए आप स्निपिंग टूल यूज कर सकते हैं। सर्च में आप टाइप करेंगे SNI, तो ये आपके पास स्निपिंग टूल आ गया है। यहाँ आपने न्यू पे क्लिक करना है और फिर इस साइन पे क्लिक करके आप इस पिक्चर का स्नैपशॉट ले लेंगे। यहां से आप कंट्रोल सी करें और यहां पे आके इसको पेस्ट कर दें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। इस फ्रेम को अब मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस पिक्चर के ये जो साइड पे आपका बैकग्राउंड आ रहा है इसको आपने रिमूव करना है। उसके लिए दोबारा आप एडिट इमेज पे क्लिक करें, देन बैकग्राउंड रिमूवर। तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये पिक्चर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और यहाँ पे अगर आप फ्लैग को मूव करेंगे तो फ्लैग इसके बैक साइड से मूव हो रहा है। इसके बाद सर्च में आपने यहाँ पे टाइप करना है सर्कल और इसमें ये जो सर्कल आ रहा है आपने इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद इसका कलर आप वाइट कर लें और इसके बाद यहाँ पे इसका बॉर्डर दे दें। बॉर्डर देने के बाद इस पिक्चर को आपने राइट क्लिक करना है और लेयर्स में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लें और उसके बाद इस सर्कल में आपने इसको एडजस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर यहाँ पे सर्कल में एडजस्ट हो गई है। इसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर लें। इसी तरीके से इस शेप को भी आपने वाइट कलर दे देना है और इसका बॉर्डर एडजस्ट कर लें।
इस शेप को रिसाइज कर लें और ये आप इस सर्कल को यहाँ पे एडजस्ट कर लें। इसके बाद इसी तरीके से आपने फ्लैग को रिसाइज करना है। ये आप देख सकते हैं कि आपका फ्लैग यहाँ पे रिसाइज हो गया है। इसके बाद अगर आप अपने चैनल का लोगो या नेम वगैरह यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो दोबारा आपने अपलोड पे क्लिक करना है और वहां से वो लोगो या टेक्स्ट ऐड करा लेना है। मैं यहाँ पे ये लोगो ऐड कर रहा हूँ। इसको हम उसी तरीके से एडिट इमेज में जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमने इस फ्लैग को एनिमेट कराना है, तो एनिमेट कराने के लिए इस फ्लैग को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा और उसके बाद एनिमेट पे क्लिक करके क्रिएट एन एनिमेशन और यहाँ से आपने इसको क्लिक करके ड्रैग करना है। इसके बाद आपने स्टडी पे क्लिक करना है। थोड़ी सी मैं इसकी स्पीड ज्यादा कर देता हूँ। इसके बाद इसे डन कर दें। अब इस इमेज को मैं लेयर्स में जाकर सेंड टू बैक कर देता हूँ और दोबारा हम इसे प्ले करके देखते हैं। एनिमेशन क्रिएट करने के बाद आपने इसमें साउंड ऐड करनी है, तो उसके लिए आप अपलोड पे जाएं और उसी तरीके से कोई भी साउंड क्लिप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक साउंड क्लिप अपलोड किया हुआ है, तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है और इस आइडिया को लेके आप अपनी मर्जी से कोई भी कस्टमाइज्ड सब्सक्राइब बटन या एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड यहाँ पे येलो कलर का दे देना है ताकि जब आप अपनी वीडियो में इस एनिमेशन को ऐड करेंगे तो वहां पे ये कलर आप रिमूव कर सकें। इसके बाद आपने शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। दोबारा डाउनलोड पे क्लिक करें। इसे मैं न्यू एनिमेशन के नाम से सेव कर देता हूं। अब हम इसे यहां से डाउनलोड से जाकर न्यू एनिमेशन को रन करके देखते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।